हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हर्बेरियम के बारे में। बच्चों, आज हम लोग एक और टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है बॉटनिकल गार्डन। क्या है बच्चों? बॉटनिकल गार्डन। क्या पर्पस था बच्चों बॉटनिकल गार्डन्स बनाने का? तो बोटैनिकल गार्डन्स बनाने का बच्चों ये पर्पस था कि यहाँ पे प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है एडुकेशन एंड साइंटिफिक पर्पसेस के लिए। बच्चों, बोटैनिकल गार्डन्स, इन बोटैनिकल गार्डन्स प्लांट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक एंड एडुकेशनल पर्पसेस। बच्चों, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ प्यार से कि बोटैनिकल गार्डन में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है एडुकेशन एंड साइंटिफिक पर्पसेस के लिए। बच्चों, अब आपका एनसीईआरटी बुक का डिफिनेशन देखते हैं। आपका एनसीईआरटी बुक कहता है कि यह बोटैनिकल गार्डन स्पेशलाइज्ड गार्डन है जहाँ लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन किया जाता है। बच्चों, लिसन केयरफुली, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, इन बॉटनिकल गार्डन्स लिविंग प्लांट्स आर कलेक्टेड। तो आपका एनसीईआरटी के अनुसार बॉटनिकल गार्डन्स वैसा स्पेशलाइज्ड गार्डन्स है जहाँ पर लिविंग प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है रेफरेंस के लिए। अब बच्चों, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि मान लीजिए बच्चों, आप एक स्टूडेंट हो और आपको प्लांट्स पे स्टडी करना अच्छा लगता है और आप चाहते हो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स को देखना, है ना, उनको आप देखना चाहते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो बच्चों, तो आप बोटैनिकल गार्डन्स में गए। बोटैनिकल्स गार्डन में जब आप जाइएगा बच्चों, वहाँ पे हर प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं बच्चों बोटैनिकल गार्डन्स में, सभी प्लांट्स में आपका लेवल लगाया जाता है। उस लेवल में बच्चों प्लांट्स का कॉमन नेम लिखा होता है, उसमें प्लांट्स का साइंटिफिक नेम लिखा होता है बच्चों, उसमें प्लांट्स का फैमिली का नाम लिखा होता है। तो बच्चों, इससे क्या होता है कि आप पहचानेंगे, आप उस प्लांट स्पीसीज को पहचानेंगे बच्चों। जो मतलब एनसीईआरटी के अनुसार ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। मतलब वही बात मैंने जो आपको बोला, बॉटनिकल गार्डन में हर प्लांट के साथ एक लेवल लगाया जाता है। उस लेवल में बच्चों कॉमन नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, है ना, फैमिली नेम होता है बच्चों। ये आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, मतलब प्लांट्स को पहचानने में मदद करता है। अब ध्यान देना बच्चों, कहता है बोटनिकल गार्डन्स, बच्चों कहता है बोटनिकल गार्डन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेड स्पेसीज, रेयर स्पेसीज एंड इंडेमिक स्पेसीज बच्चों, आपने तो नाम सुना होगा IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN। इसी को बच्चों आज के डेट में हम लोग वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहते हैं। और जानते हो बच्चों ये वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहाँ है? तो ये वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन बच्चों ये आपका स्विट्जरलैंड के मोल्ज में है। बच्चों, आपका IUCN या वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन मेंटेन करता है एक रेड डेटा बुक को या रेड लिस्ट को। तो बच्चों, मैंने क्या कहा, IUCN या वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन
यह मेंटेन करता है एक रेड डेटा बुक को या रेड लिस्ट को जिनमें थ्रेटेंड स्पेसेज के लिस्ट होते हैं। अब तुम कहोगे बच्चों थ्रेटेंड स्पेसेज क्या होते हैं, तो थ्रेटेंड स्पेसेज आर दोज स्पेसेज, थ्रेटेंड स्पेसेज आर दोज स्पेसेज व्हिच हैव रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। बच्चों जिस स्पेसेज को खतरा डर होता है, जिस स्पेसेज को बच्चों भय होता है एक्सटिंक्शन का, जिस स्पेसेज को बच्चों भय होता है एक्सटिंक्शन का, उस ऐसे स्पेसेज को बच्चों थ्रेटेंड स्पेसेज कहते हैं। बच्चों थ्रेटेंड स्पेसेज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसेज, इंडेंजर्ड स्पेसेज, वल्नरेबल स्पेसेज एंड लो रिस्क स्पेसेज एक्सेट्रा इटीसी। अब बच्चों एक एक करके देखते हैं। मैंने क्या कहा, थ्रेटेंड स्पेसेज वो ऐसे स्पेसेज हैं जिनको एक्सटिंक्शन होने का डर होता है, विलुप्त होने का डर रहता है बच्चों, धरती से विलुप्त होने का डर रहता है। अब थ्रेटेंड स्पेसेज हैं इनके भी आपका, इनके अंदर में क्या क्या आते हैं बच्चों, तो आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसेज, इंडेंजर्ड स्पेसेज, वल्नरेबल स्पेसेज एंड लो रिस्क स्पेसेज ETC। अब एक एक करके बच्चों क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसेज आर दोज स्पेसेज व्हिच हैव वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर। बच्चों क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसेज वह थ्रेटेंड स्पेसेज है जो आज के समय में कभी भी, आज के समय में कभी भी बच्चों वह एक्सटिंक्ट कर सकता है, आज के समय में बच्चों कभी भी एक्सटिंक्ट कर सकता है, बच्चों आज के समय में कभी भी एक्सटिंक्ट कर सकता है, उसे कहते हैं बच्चों क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसेस। याद हो गया बच्चों, ध्यान देना। फिर दूसरी बात बच्चों, नेक्स्ट इंडेंजर्ड स्पेसेस, तो इंडेंजर्ड स्पेसेस आर दोज थ्रेटेंड स्पेसेस व्हिच हैव हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। मतलब जो नज़दीक का जो फ्यूचर है बच्चों, मतलब इंडेंजर्ड स्पेसीज बच्चों वो ऐसे स्पेसीज हैं जिनको अगर आप अभी कंजर्व नहीं करोगे तो नियर फ्यूचर, जो नज़दीक का जो भविष्य है बच्चों, उसमें वो आपका विलुप्त हो सकते हैं। समझे बच्चों? बच्चों वल्नरेबल स्पेसीज, बच्चों वल्नरेबल स्पेसीज क्या है, तो आप कहोगे बच्चों वल्नरेबल स्पेसीज शोज रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द मीडियम टर्म फ्यूचर। वल्नरेबल स्पेसीज आर दोज थ्रेटनिंग स्पेसीज व्हिच हैव रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द मीडियम टर्म फ्यूचर। और चौथा है बच्चों लो रिस्क स्पेसेज, तो नाम ही है बच्चों लो रिस्क स्पेसेज, तो लो रिस्क स्पेसेज ऐसा थ्रेटनिंग स्पेसेज है जिसको फिलहाल एक्सटिंक्शन का खतरा सबसे कम है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात को फिर से, अब मैं इसको ना आपको समझाता हूँ इजीली तरह से। तो मैंने कहा बच्चों बोटैनिकल गार्डन्स में थ्रेटेंड स्पेसेज को कंजर्व किया जाता है जिनको एक्सटिंक्शन का खतरा है बच्चों, जिनको एक्सटिंक्शन का, विलुप्त होने का बच्चों भय है। तो जो भी प्लांट स्पेसेज को विलुप्त होने का भय है वो ऐसे प्लांट स्पेसेज को बोटैनिकल गार्डन्स में ग्रो कराया जाता है। अब मैंने कहा बच्चों जो थ्रेटेंड स्पेसेज है इनके आपका कई टाइप्स हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड लो रिस्क स्पेसेज एक्सेट्रा। तो बच्चों क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन का रिस्क है। कभी कोई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा बच्चों कि आपका जिस स्पेसेज को सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन का खतरा होता है उसे कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसेज, याद रखिए बच्चों।
अब मैंने बच्चों एक बात कहा, दूसरा है मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है बच्चों, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसिस वह स्पेसिस जो अभी के समय में कभी भी, अभी के समय में कभी भी वह विलुप्त हो सकता है। दूसरा बच्चों इंडेंजर्ड स्पेसिस क्या है, तो इंडेंजर्ड स्पेसिस क्या है बच्चों, तो इंडेंजर्ड स्पेसिस वो ऐसा थ्रेटेंड स्पेसिस है जिसको अगर आप आज कंजर्व नहीं करोगे तो बच्चों आने वाला समय में बदल जाएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड फिर क्या हो जाता है बच्चों, ध्यान भी करते हो अभी जस्ट मैंने कहा, एक होता है बच्चों वल्नरेबल स्पेसिस। तो वल्नरेबल स्पेसिस बच्चों ऐसे स्पेसिस हैं जिनको अगर आप अभी कंजर्व नहीं किए तो बदल जाएगा बच्चों इंडेंजर्ड में। देखिए कैसे कहानी चलता है। अब बच्चों एक होता है लो रिस्क स्पेसिस। तो लो रिस्क स्पेसिस क्या है बच्चों, ये वो ऐसा थ्रेटन स्पेसिस है जिसको अभी के समय में एक्सटिंक्शन का लो रिस्क है, लेकिन बच्चों अगर इसको आज कंजर्व नहीं किया गया तो लो रिस्क स्पेसिस बदल जाएगा क्या में बच्चों, तो आप कहोगे ये बदल जाएगा वल्नरेबल में। ओके बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा बच्चों थ्रेटेंड स्पेसिस क्या है। और हमारा बच्चों कर्तव्य है कि जो भी स्पेसिस धरती से विलुप्त हो रहा है हमारे कारण से, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, उनका हैबिटेट को बच्चों हम लोग लॉस कर रहे हैं, हम लोग जंगल को काट रहे हैं बच्चों, तो गलती हमसे हुई है, सुधारना भी हमें ही पड़ेगा। अब बच्चों फिर सुनिएगा, बॉटनिकल गार्डन मैंने कहा यहाँ पे थ्रेटेंड स्पेसिस को कंजर्व किया जाता है, उसी तरह से बच्चों बॉटनिकल गार्डन में रेयर स्पेसिस को कंजर्व किया जाता है, रेयर स्पेसिस को कंजर्व किया जाता है बच्चों। तो रेयर स्पेसिस क्या है बच्चों, तो रेयर स्पेसिस आर दोज स्पेसिस डेट आर वेरी अनकॉमन, रेयर स्पेसिस आर दोज स्पेसिस विच आर वेरी अनकॉमन, रेयर स्पेसिस आर दोज स्पेसिस विच आर वेरी अनकॉमन। तो नाम है बच्चों रेयर, मतलब ये हमारे वर्ल्ड के, है ना, रेयर स्पेसिस वर्ल्ड के किसी पार्टिकुलर, रेयर स्पेसिस क्या है बच्चों, सॉरी रेयर स्पेसिस क्या है बच्चों, तो यह बहुत ही अनकॉमन होता है रेयर स्पेसिस। ये क्या है बच्चों, अनकॉमन स्पेसिस है, याद रखना रेयर स्पेसिस आर वेरी अनकॉमन स्पेसिस, रेयर स्पेसिस वेरी अनकॉमन स्पेसिस है। अब जैसे बच्चों वेरी अनकॉमन स्पेसिस है, है ना, अब कहता है जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे आप ड्रैगन्स ब्लड ट्री, ड्रैगन्स ब्लड ट्री है बच्चों, है ना, जिसका शेप आपका मशरूम की तरह होता है और इसका जो सैप होता है बच्चों रेड कलर का होता है, इसका सैप होता है रेड कलर का, इसीलिए कहते हैं बच्चों आपका ड्रैगन्स ब्लड ट्री। तो ड्रैगन्स ब्लड ट्री जो होता है ना बच्चों, इसका शेप होता है मशरूम के जैसा, और ये आपका, मैंने क्या कहा कि ये आपका जो है इसका सैप जो है सैप ए से पी सैप बच्चों रेड कलर का होता है बच्चों। अब कहता है ये आपका यमन एक जगह है, वहाँ पे बच्चों पाया जाता है, कहता है बच्चों उसी तरह से रेफ्लेसिया एर्नोल्डी, कहता है बच्चों ये आपका बच्चों वर्ल्ड का कहीं लार्जेस्ट फ्लावर है, आप सुने होंगे रेफ्लेसिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है, और इसका जो दुर्गंध होता है बच्चों वो आपका डिकेइंग फ्लेश है ना, जो फ्लेश जैसे बच्चों सड़ गया, मांस बच्चों जैसे सड़ गया वो ऐसा बदबू करता है ना बच्चों। उसी तरह से कहता है एक वेल विस्टिया है, तो वेल विस्टिया बच्चों ये अफ्रीका में पाया जाता है, वेल विस्टिया अफ्रीका में पाया जाता है बच्चों, और कहता है कि इस प्लांट का बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट होता है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है ना कि वेल विस्टिया ये अफ्रीका में पाया जाता है बच्चों, और इसका बहुत ही क्या है स्लो ग्रोथ रेट है,
चलिए बच्चों, और कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि यह वेल विस्टिया प्लांट 1000 से 2000 साल तक अर्थ में हमारा जिंदा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों इंडेमिक स्पेसीज बच्चों वैसे स्पेसीज होते हैं जो मैंने अभी आपको क्या कहा बच्चों कि बोटनिकल गार्डन में थ्रेटेंड स्पेसीज को कंजर्व किया जाता है। बच्चों ये पढ़ा दिया क्या होता है थ्रेटेंड स्पेसीज। मैंने आपको पढ़ाया बच्चों कि आपका बोटेनिकल गार्डन में रेयर स्पेसीज को कंजर्व किया जाता है, ये भी बच्चों मैंने पढ़ा दिया। अब बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडेमिक स्पेसीज। तो इंडेमिक स्पेसीज बच्चों क्या है, तो इंडेमिक स्पेसीज आर दोज स्पेसीज व्हिच आर फाउंड इन पार्टिकुलर रीजन ऑफ द अर्थ। इंडेमिक स्पेसीज अर्थ के सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं बच्चों, और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इंडेमिक स्पेसीज अर्थ के सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर रीजन में ही बच्चों पाए जाते हैं इंडेमिक स्पेसीज, है ना बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्लाया सिरेमिका नाम का प्लांट है बच्चों, ये सिर्फ आपका इंडोनेशिया के मलाकू आइलैंड पे पाया जाता है बच्चों। मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा एग्लाया सिरेमिका। मैंने आपको कहा बच्चों एग्लाया सिरेमिका एक प्लांट है जो सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया के मलाकू आइलैंड पे पाया जाता है बच्चों। ये आपका इंडेमिक स्पेसीज है। तो इंडेमिक स्पेसीज बच्चों वो ऐसा स्पेसीज होता है जो जो वर्ल्ड के किसी पार्टिकुलर रीजन में सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है। जैसे एनिमल के केस में बच्चों आप कैसे कहते हो कि जो आपका कंगारू होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बच्चों, तो बताओ आप एनिमल के केस में आप क्या कहोगे कि वो कंगारू जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कंगारू। इसीलिए कंगारू क्या है बच्चों, इंडेमिक स्पेसीज है। बच्चों अब देखिए बच्चों, कहता बोटेनिकल गार्डन में बच्चों इम्प्रूव्ड वेराइटीज बनाया जाता है प्लांट ब्रीडिंग मेथड के द्वारा। बच्चों मैंने क्या कहा, बोटेनिकल गार्डन में प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा इम्प्रूव्ड वेराइटीज तैयार की जाती हैं। बच्चों जब आप 12th क्लास में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको प्लांट ब्रीडिंग का डिटेल पढ़ना है, कैसे प्लांट का एक नया नस्ल को बनाया जाता है। बोटेनिकल गार्डन में बच्चों स्टूडेंट्स प्लांट्स के डाइवर्सिटी का स्टडी करते हैं। बच्चों बोटेनिकल गार्डन में स्टूडेंट्स प्लांट्स के डाइवर्सिटी का स्टडी करते हैं बच्चों, मतलब प्लांट्स के डिफरेंट वेराइटीज डिफरेंट स्पेसीज बोटेनिकल गार्डन्स में लगाए जाते हैं। तो बच्चों कोई स्टूडेंट है जिसको प्लांट्स पे स्टडी करना अच्छा लगता है, वैसा स्टूडेंट्स बताओ बच्चों वो बोटेनिकल गार्डन्स में जाएगा और वहाँ पर प्लांट्स के अलग अलग वेराइटीज का स्पेसीज का स्टडी करेगा। अब बच्चों कहता है बच्चों देखिए, इसीलिए हम लोग कहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बोटेनिकल गार्डन बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए। तो आप कह सकते हो बच्चों कि बोटेनिकल गार्डन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बच्चों बोटेनिकल गार्डन समय समय पर सीजनल प्लांट्स का प्रदर्शनी को आयोजित करता है। बच्चों आर्थिक दृष्टि से उपयोगी स्पेसीज को नए रीजन में इंट्रोड्यूस करना तथा उन्हें इन
क्षेत्रों के लिए एक्लाइमेटाइज करना, ये भी बच्चों बोटनिकल गार्डन्स में होता है। तो मैंने बच्चों क्या कहा, बोटनिकल गार्डन्स का एक और काम क्या है बच्चों, तो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी स्पीसीज को नए रीजन्स में इंट्रोड्यूस करना तथा उन्हें इन नए रीजन्स के लिए एक्लाइमेटाइज करना बच्चों, एक्लाइमेटाइज करना। बोटनिकल गार्डन में आप काफ़ी कुछ जान गए, अब आप जानिए बोटनिकल गार्डन्स, कुछ बोटनिकल गार्डन्स का मैं आपको नाम दे रहा हूँ, कुछ बोटनिकल गार्डन्स का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों पूरे वर्ल्ड में जितना बोटनिकल गार्डन्स है सबका नाम बताना तो पॉसिबल है नहीं। बच्चों जैसे दुनिया का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन अगर आपसे पूछा जाए कि आपका रॉयल बोटनिकल गार्डन, याद रखिए बच्चों ये आपका लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन है, बच्चों ध्यान रखिएगा मेरी बात को, लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन, लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन बच्चों पूरे वर्ल्ड का कौन है बच्चों, रॉयल बोटनिकल गार्डन, यह 300 एकर्स में फैला हुआ है बच्चों, 300 एकर्स में फैला हुआ है बच्चों। कहता यह जो आपका बोटनिकल गार्डन है बच्चों, जानते हो ये लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज में जितने भी बोटनिकल गार्डन्स हैं वो सारे बोटनिकल गार्डन्स की तुलना में रॉयल बोटनिकल गार्डन में सबसे ज़्यादा प्लांट्स का स्पेसिस को बच्चों लगाया गया है। आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे 40,000 प्लांट्स का स्पेसिस को बच्चों लगाया गया है। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं एक और फेमस बोटनिकल गार्डन बच्चों इंडिया का, यह इंडिया का बच्चों बहुत ही फेमस बोटनिकल गार्डन है, यह इंडियन बोटनिकल गार्डन। कहता है कहाँ है बच्चों, तो कोलकाता के हावड़ा के शिवपुर एरिया में बच्चों इस इंडियन बोटनिकल गार्डन है। बच्चों कोलकाता के हावड़ा के शिवपुर में इंडियन बोटनिकल गार्डन है। बच्चों 1787 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अधिकारी कर्नल रॉबर्ट कीड ने इस बोटैनिकल गार्डन को बनाया था बच्चों, स्थापना किया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, 1787 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अधिकारी ने इस इंडियन बोटैनिकल गार्डन की स्थापना की थी। बच्चों यह जो बोटैनिकल गार्डन है बच्चों, इस बोटैनिकल गार्डन का जो मैनेजमेंट होता है वो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। इस इंडियन बोटैनिकल गार्डन का बच्चों जो मैनेजमेंट होता है वो कौन करता है बच्चों बताओ, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और बच्चों बहुत ध्यान देना बात को, कहता है कि कभी भी आप कोलकाता जाओ, कभी बच्चों आप कोलकाता जाओ घूमने के पर्पज से, तो बच्चों ज़रूर इंडियन बोटैनिकल गार्डन जाना। इस क्योंकि बच्चों पूरे वर्ल्ड में इंडियन बोटैनिकल गार्डन फेमस, जानते हो किस लिए है, यह सबसे ज़्यादा फेमस है क्यों, यहाँ पे विशाल बरगद का पेड़ है बच्चों, है ना, मतलब ये ग्रेट बैनियान ट्री, ग्रेट बैनियान ट्री के लिए बच्चों यह फेमस है। कहता है जो लगभग 250 साल पुराना है बच्चों, कहता है इंडियन बोटैनिकल गार्डन में 250 साल पुराना, इंडियन बोटैनिकल गार्डन में 250 साल पुराना ग्रेट बैनियान ट्री है बच्चों। ग्रेट बैनियान ट्री कहने का मतलब बच्चों बरगद, विशाल बरगद का पेड़। और बच्चों बैनियान का, बैनियान जो है, बैनियान ट्री है बच्चों, इसका साइंटिफिक नेम आप जानते होंगे, फाइकस बैंगालेंसिस।
फाइकस वेंगालेंसिस। अब बच्चों ध्यान देना, मैंने कहा कि जानते हो बच्चों इस प्लांट का जो बच्चों क्राउन है, इस प्लांट का बच्चों जो क्राउन है बच्चों, जानते हो क्राउन वह फैला हुआ है बच्चों 404 मीटर में। सोच लो बच्चों ये प्लांट कितना ज़्यादा फैला हुआ है बच्चों, ये प्लांट कितना ज़्यादा फैला हुआ है बच्चों। और जानते हो इस प्लांट के स्टेम से, ये जो बच्चों ये जो प्लांट है इसका मेन ट्रंक डीके हो गया है बच्चों। इस इंडियन बॉटनिकल गार्डन के ग्रेट बैनियन ट्री का मेन ट्रंक जो है बच्चों वो आपका डीके हो चुका है। और यह प्लांट जो है बच्चों इस आज के डेट में बच्चों इस प्लांट को बच्चों सपोर्ट करने के लिए लगभग 1700 से भी ज़्यादा 1700 से भी ज़्यादा बच्चों प्रॉप रूट होता है। क्या होता है बच्चों? प्रॉप रूट होता है बच्चों सपोर्ट करने के लिए। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर, तो बच्चों वहाँ पे आपका एनसीईआरटी बुक में फोटो दिया हुआ है प्रॉप रूट का। प्रॉप रूट बच्चों ये प्लांट को बच्चों एक सपोर्ट देता है। आप देखे होगे बरगद का जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है उसके स्टेम से बच्चों रूट निकलता है, देखे होगे वह रूट बच्चों जैसे आपका सॉइल के कॉन्टेक्ट में आता है फिर वह प्लांट को बच्चों सपोर्ट देने लगता है। तो बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया बच्चों। इंडियन बॉटनिकल गार्डन में टूरिस्ट का आकर्षण का केंद्र एक और प्लांट है, विक्टोरिया एमेजोनिका। विक्टोरिया एमेजोनिका बच्चों आपको क्या पता है, इस प्लांट का जो पत्ता बच्चों बड़ा बड़ा होता है और गोल होता है। एक एक जो पत्ता होता है बच्चों इसका एक पत्ता का जो डायमीटर होता है वो 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक हो सकता है बच्चों। और कहता है कि यह जो पत्ता होता है बच्चों ये 40 केजी का वेट को आपका सह सकता है। मतलब यह पत्ता 40 केजी का वेट को विद स्टैंड कर सकता है बच्चों। बच्चों अब देखिए एक और बॉटनिकल गार्डन बच्चों देखिए, कहता है नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। नेशनल बॉटनिकल गार्डन बच्चों लखनऊ कहते हैं यह गार्डन बच्चों 70 एकर्स में फैला हुआ है। यह गार्डन 70 एकर्स में फैला हुआ बच्चों, अगर आप हेक्टेयर्स की बात करें बच्चों तो 27 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। और ध्यान दीजिएगा बच्चों इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बच्चों। इसी बॉटनिकल गार्डन के अंदर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को आपका इस्टेब्लिश किया गया है। इससे क्या होगा बच्चों, तो जो भी आपका साइंटिस्ट होते हैं वो प्लांट्स का नया नया ब्रीड वगैरह तैयार करते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये जो और भी बच्चों मैंने कहा हिबिस्कस यानी कि बच्चों अड़हुल नाम सुने होंगे, क्राइसेंथिमम यानी गुलदाउदी बच्चों, इरिथ्रीना प्लांट, यूक्लिप्टस प्लांट, फर्न्स प्लांट, कैक्टस प्लांट, एमरेंथस प्लांट, एंटीराइनम प्लांट, ग्लेडियोलस प्लांट्स का अच्छा कलेक्शन है बच्चों यहाँ पर इस बॉटनिकल गार्डन में बच्चों। इतने प्लांट्स का मैंने क्या कहा अच्छा कलेक्शन है। ओके बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बॉटनिकल गार्डन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये सब बॉटनिकल गार्डन्स पे बच्चों ज़्यादा रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है बच्चों।